और खबर भोपाल से, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी। द सावन मंत्री रिपोर्ट मूवी के जैसे ही कई और सच सामने आने बाकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करेगी, ये कहना है धर्मेंद्र लोधी का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और साबरमती रिपोर्ट मूवी के जैसे ही कई और सच सामने आने बाकी हैं, ये कह रहे हैं मंत्री धर्मेंद्र लोधी, और मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करेगी। करती हुई मूवी साबरमती रिपोर्ट को देखकर अभी लौटे हुए हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहती है ये मूवी, क्या देखा आपने? ये जो मूवी है, वास्तव में जो गोधरा ट्रेन जलाई गई थी उसके वास्तविक सच को उजागर करने वाली मूवी है, और ये वास्तविकता बताने वाली मूवी है कि उस समय क्या हुआ, किस प्रकार षड्यंत्र करके अयोध्या से आने वाले कार सेवकों को षड्यंत्र पूर्वक जलाया गया। तो निश्चित रूप से ये मूवी सबको देखनी चाहिए, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। तो मेरा मानना, बहुत समय बाद अच्छी और सच्ची मूवी आई है, सबको देखनी चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसी भी और बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर पर्दा उठना बाकी है। बात अगर हम राजधानी भोपाल की करते हैं तो रानी कमलापति, उनका भी एक इतिहास रहा। बहुत हद तक बीजेपी सरकार में इस पर काम तो हुआ, लेकिन पूरा सच आना आज भी बाकी है, लगता है सर आपको? इस फिल्म में भी दिखाया गया कि सच्चाई जो है कभी ना कभी उजागर होती है, और निश्चित रूप से जो सच्चाई है आने वाले समय में उजागर होगी। कैमरामैन विजय सेचकर के साथ शिखिल ब्यौहार, न्यूज 24 भोपाल।